أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين सो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे इनकार देखा तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई आदमी भी हैं जो मेरे मददगार हो जावें अल्लाह के वास्ते। हवारीजीन बोले कि हम हैं मददगार अल्लाह के दीन के, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप उसके गवाह रहिए कि हम फरमाबरदार हैं। ए हमारे रब, हम ईमान ले आए उन चीज़ों यानी अहकाम पर जो आपने नाजिल फरमाई और पैरवी इख्तियार किया हमने उन रसूल की, सो हमको उन लोगों के साथ लिख दीजिए जो तस्दीक करने वाले हैं। और उन लोगों ने खुफिया तदबीर की और अल्लाह ताला ने खुफिया तदबीर फरमाई और अल्लाह ताला सब तदबीर करने वालों से अच्छे हैं। सूरह आले इमरान की आयात नंबर 52, 53, 54 तीन आयात आपके सामने पढ़ी गई। अल्लाह ताला ने इन आयात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हवारीजीन का तज़किरा फरमाया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तने तनहा दावत व तबलीग का काम शुरू किया तो यहूदियों ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत करनी शुरू की और वो लोग एतराज़ करने लगे कि तुमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में कमी बेशी कर दी। हालांकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो भी अहकामात के अंदर तब्दीली और तरमीम की वो अल्लाह के हुक्म से तब्दीली और तरमीम की थी, अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं किया था। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ज़ोरों शोर से दावत व तबलीग का काम शुरू किया तो जिस तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ज़ोरों शोर से तबलीग शुरू की उसी तरीके से वो लोग भी मुखालफत पर उतर गए और वो लोग ईज़ा पहुँचाने पर उतर गए, ईज़ा पहुँचाने की ताक में रहने लगे, कोशिश में लगे रहे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अब कुछ लोगों से कहा कि कौन मेरा साथी और कौन मेरा मददगार है, कौन मेरा साथ देगा और कौन दीन की निस्बत पर मेरी ताईद और मेरी मदद करेगा। तो कुछ लोग तैयार हो गए जिसको कुरान ने कहा हवारीजून, यानी जान माल कुर्बान करने वाले लोग, मुखलिस किस्म के लोग तैयार हो गए। हवारीजून हवारी की जमा है और हवारी हौर से मुश्तक है। हवारी का माना लुगत में सफ़ेदी के आते हैं। इसको क्यों कहा गया हवारी? उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये लोग धोबी थे, कपड़े वगैरह धोते थे, तो इस नस्बत से इन लोगों को हवारीजीन कहा गया और इसलिए भी इनको हवारीजीन कहा गया। बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि इनके कपड़े बिल्कुल सफ़ेद थे, इनकी पोशाक बिल्कुल सफ़ेद थी, या इसलिए इनको हवारीजीन कहा गया कि इन्होंने अपनी जान माल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर कुर्बान कर दिया और इन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, नुसरत करेंगे, आपका साथ देंगे, जान देने की ज़रूरत पड़ी तो हम जान भी देंगे। तो ये लोग तैयार हो गए। इनके बारे में आता है ये लोग 12 लोग थे और बाद मुफस्सिरीन कहते हैं ये लोग 29 लोग थे। ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हर वक्त रहते थे और साथ देते थे कि कहीं ये यहूदी लोग, बदमाश लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नुकसान न पहुँचा दें, हर वक्त ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहते थे। और उसके बाद इन्होंने कुछ दुआएं मांगी हवारीयून ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो मानने वाले ये 12 या 29 किस्म के लोग थे, इन्होंने दुआएं मांगी। उन दुआओं को अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर नकल किया। एक दुआ तो ये उन्होंने मांगी कि रब्बना आमन नहनु अंसारुल्लाह आमन्ना बिल्लाह वशहद बिअन्ना मुस्लिमून, कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप उसके गवाह रहिए कि हम फरमाबरदार हैं। ये लोग कहने लगे कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, ए ईसा अलैहिस्सलाम आप गवाह रहिए इस पर कि हम ईमान लेकर के आए। और दूसरी दुआ उन्होंने ये मांगी, रब्बना आमन्ना बिमा अनसलत वत्तबअना रसूल फक्तुमना मा शाहिदीन, ए हमारे रब, हम ईमान ले आए उन चीज़ों पर यानी अहकाम पर जो आपने नाजिल फरमाई और पैरवी इख्तियार किया हमने उन रसूल की, सो हमको उन लोगों में लिख दीजिए, शामिल कर दीजिए। तो बारे कब ये सब होने लगे वाकयात,
आखिर आयत में अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उन लोगों ने जो मकर किया, फरेब किया, धोखा किया, उस मकर का तस्किरा किया आखिरी आयत में, यानी 254 नंबर की आयत में। वो क्या है कि वो लोग ताक में रह लेने लगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नऊज़ुबिल्लाह कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे वो लोग मौके की तलाश में रहे। एक मरतबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने घर में थे इन लोगों के साथ, हवारीन के साथ, अपने मानने वालों के साथ। तो उन लोगों ने घर का मुहासरा कर लिया और मुहासरा करके अपने आदमी, दो रिवायतें हैं, एक रिवायत तो यह है कि उन्होंने अपने आदमी को भेजा कि जा करके तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करके आ जाओ। और एक रिवायत ये है कि जब उन लोगों ने घर का मुहासरा किया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब देख लिया कि अब हम बचने वाले नहीं, तो अपने लोगों से कहा कि हमारे नाम पर कौन अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, हमारे नाम, अल्लाह के नाम पर मेरी जान की हिफाजत के लिए कौन अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो एक आदमी ने कहा कि हजरत मैं आपके नाम पर जान कुर्बान करूंगा, मैं आपके नाम पर जान कुर्बान करूंगा। तो आदमी ईसा अलैहिस्सलाम के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया, छत के जरिए से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। और जब वो लोग अंदर दाखिल हुए तो उन लोगों ने देखा कि एक आदमी है जिसकी शक्ल सूरत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मिल रही है। तो उन लोगों ने ये समझ करके, ये ईसा अलैहिस्सलाम है ये समझ करके, उन लोगों ने उन्हीं को कत्ल कर दिया। उनको ये नहीं मालूम कि ईसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने आसमान पर उठा लिया और इस आदमी की शक्ल सूरत अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम से बिल्कुल मिला दी। तो गोया के उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया बल्कि उनकी शक्ल सूरत का जो आदमी था वो कत्ल किया गया ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर। और दूसरी रिवायत ये नकल की गई है कि यहूदियों का जो एक आदमी गया कत्ल करने के लिए, तो अल्लाह ताला ने तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया और यहूदी का जो आदमी था उसकी शक्ल सूरत ईसा अलैहिस्सलाम की जैसी हो गई। जब बहुत देर हो गई और उन लोगों ने देखा कि अब तो पता नहीं कत्ल हुए नहीं हुए, ईसा अलैहिस्सलाम जब दरवाजा खोल करके देखा तो वो आदमी था उसकी शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम की तरह हो गई। अब वो लोग कहने लगे कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम ये है तो हमारा आदमी कहाँ गया, और अगर हमारा आदमी है तो ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ गए। अब उनके अंदर जो है इख्तिलाफ पैदा हो गया, कुरान के अंदर भी इसको जिक्र किया गया और उसके मशकूक हो गया उनका आदमी। तो वो लोग कहने लगे कि ईसा अलैहिस्सलाम अगर ये हैं तो हमारा आदमी कहाँ गया, और अगर हमारा आदमी है तो ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ गए। तो बड़े कहर उन लोगों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो गया और उन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने कत्ल से बचा लिया और उनके आदमी को ही कत्ल करा दिया, या तो ईसा अलैहिस्सलाम के आदमी को अल्लाह ताला ने कत्ल करा दिया। अब आपस में इख्तिलाफ करने लगे। उनका अकीदा ये हुआ कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। और ईसाइयों का भी एक तबका है जिसका अकीदा ये कि हमारे नबी यानी ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल कर दिए गए और हमारे गुनाहों का उन्होंने कफारा अदा कर दिया। तो ये मसला पैदा हुआ। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि उन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मकर किया, उनका मकर को तो कामयाब नहीं हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ यहूदियों ने जो मकर किया, फरेब किया, उनका मकर, उनका फरेब तो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि इंसानों का मकर कमजोर होता है और अल्लाह ताला की तदबीर क्या होती है, मजबूत होती है। तो अल्लाह ताला की तदबीर ही कामयाब हुई, उनकी तदबीर नाकाम हो गई। उन्होंने कोशिश की, उन्होंने कत्ल करने की तदबीर की, लेकिन उनकी सारी तदबीर को अल्लाह ताला ने नाकाम बना दिया और अल्लाह ताला की तदबीर ही कामयाब हुई, क्योंकि अल्लाह की तदबीर मजबूत है, कुव्वत वाली तदबीर है। और अल्लाह की तदबीर के मुकाबले में किसकी तदबीर हो सकती है कामयाब। यहाँ पर एक बात कहकर के बात को ख़त्म करता हूँ, वो ये कि ईसाइयों और यहूदियों के दरमियान इतनी ज़्यादा दुश्मनी है, सख्त दुश्मनी, कि ईसा अलैहिस्सलाम को उन लोगों ने अपने अकीदे के मुताबिक कत्ल कर दिया और ईसाइयों के भी बाद तबके के अकीदे के मुताबिक कत्ल हो गए। लेकिन आज देखिए ये यहूदी और ये नसरानी दोनों आपस में शीरो शकर बने हुए हैं, आपस में दोस्त बने हुए, यार गार बने हुए हैं, खाना पीना, उठना बैठना, हथियारों का तबादला
और पैसों का तबादला और हर काम ये लोग आपस में मिल करके कर रहे हैं। लेकिन अफसोस है आज मुसलमानों पर कि मुसलमान जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे तबकात को मिला करके मुत्तफिक और मुत्तहिद बनाया था और एक लड़ी में पिरोया था, आज मुसलमान तो सैकड़ों की जमातों में, शक्लों में, जमात के नाम पर, मशरक के नाम पर मुसलमान बचे हुए हैं। लेकिन वो लोग आपस में इतने ज्यादा दुश्मन होने के बावजूद भी और इतनी ज्यादा सख्त दुश्मनी होने के बावजूद भी आपस में वो मिले हुए हैं। लेकिन हाय अफसोस कि आज हम मुसलमान एक नबी के नाम पर और एक कुरान के नाम पर, एक अल्लाह के नाम पर, एक काबा के नाम पर, एक शरीयत के नाम पर, एक मिल्लत के नाम पर मिलने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ा ही अलमिया है और बड़ा ही अफसोसनाक पहलू है कि मुसलमान एक कुरान को मानने वाले, एक हदीस को मानने वाले, एक रसूल को मानने वाले, एक नबी को मानने वाले, एक खाने काबा को मानने वाले एक होने के लिए तैयार नहीं। लेकिन वो लोग आपस में इतने ज्यादा दुश्मनी करने वाले, आपस में तो मिल गए, आपस में तो मुत्तहिद और मुत्तफिक हो गए, लेकिन मुसलमान और ज्यादा दुश्मनी में रोज बरोज बढ़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह तआला से दुआ है कि अल्लाह तआला हम तमाम मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद और इत्तिफाक पैदा फरमाए, हर किस्म के इख्तिलाफ से, इंतशार से हम सबकी हिफाजत फरमाए। या अल्लाह जो लोग बीमार उन सबको शिफाए कामना नसीब फरमाइए, जो लोग कर्जों से परेशान हार उनके कर्जों का अदायगी चकले पैदा फरमाइए। या अल्लाह सारी उम्मत मुसलिमा पर रहम का करम का मामला फरमाइए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही।